सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पाठ 6 दांत का दर्द पढ़ रहे हैं और पाठ को हम पढ़ चुके हैं, अब समय है इसका अभ्यास कार्य करने का। तो आज प्यारे बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन पहले हम फिर से इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो चलिए, आप भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और पेज नंबर 14 खोल लीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है दांत का दर्द और इसकी कहानी, जैसे कि हम पहले भी इस संवाद को पढ़ चुके हैं कि आनंद एक लड़का होता है इसमें, जिसके दांत में दर्द होता है और डॉक्टर उसको देखने आते हैं। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं। आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ कहा रहा है और तभी वहाँ डॉक्टर आ पहुँचे। डॉक्टर आनंद से पूछते हैं, क्या तुम्हारे दांत में दर्द है? तो आनंद बताता है, हाँ बहुत दर्द है। डॉक्टर उसके मुंह को खोलकर देखते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, और बताते हैं कि उसके दो दांतों में कीड़ा लग गया है और उसके दोनों दांत निकालने होंगे। तब आनंद डर जाता है और कहता है कि दांत निकालने पर तो बहुत दर्द होगा और मेरा मुंह भी अजीब सा लगेगा। तब डॉक्टर कहते हैं कि यह सब तुम्हारी लापरवाही और आलस्य का नतीजा है। तो आनंद कहता है, लेकिन मैं कभी कभी ब्रश करता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी नहीं, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना भी बहुत ज़रूरी है। आनंद पूछता है, कुल्ला क्यों ज़रूरी है? तब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो खाने के कण हमारे दांतों में फंस जाते हैं और ये कण सड़कर दांतों को ख़राब कर देते हैं। कुल्ला करने से ये कण बाहर आ जाते हैं। तब आनंद कहता है कि मेरे दांतों से कभी कभी खून भी निकलता है। तब डॉक्टर कहते हैं, सफाई के साथ साथ भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। तब आनंद बताता है कि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। तो डॉक्टर कहते हैं, दांतों को ठीक रखने के लिए दूध पीना भी उतना ही जरूरी है जितना ब्रश करना। आनंद कहता है, अरे मुझे तो यह पता ही नहीं था। तब डॉक्टर कहते हैं, बेटा मुझसे एक वायदा करो। तो आनंद पूछता है, क्या वायदा करूं? तो डॉक्टर कहते हैं, नित्य 2 बार ब्रश करोगे और दूध भी पियोगे। मतलब आप हर रोज़ दिन में 2 बार ब्रश करोगे, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, और दूध भी डेली हर रोज़ आप पियोगे। आनंद, जी वायदा करता हूँ। और आनंद इस प्रकार डॉक्टर से वादा करता है कि वह हर रोज़ नित्य 2 बार ब्रश करेगा और दूध भी पिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम समझ चुके हैं कि इस पाठ के अंतर्गत क्या आया, हमने क्या सीखा। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए, दूध पीना चाहिए, खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और हमेशा अपने दांतों की साफ़ सफाई व उनको स्वस्थ रखने के बारे में सोचना चाहिए। हमें कोई भी लापरवाही या आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। तो चलिए, पाठ को समझते हुए अब हम पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर ध्यान देंगे।
तो हमारी पुस्तक में पेज नंबर 16 पर तीसरा कार्यपत्र है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्यारे बच्चों, पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर बोलकर देंगे, तत्पश्चात हम अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ क्या कर रहा है? आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ करहा रहा है। जैसा कि मैम ने आपको पहले भी बताया था कि हम कब करहा रहे होते हैं, जब हमें दर्द हो रहा होता है, जब हमारे शरीर में कहीं पर हमें दर्द होता है तब हम करहा रहे होते हैं। तो आनंद क्यों करहा रहा है आप सभी को पता है, क्योंकि उसके दांतों में दर्द है। अगला प्रश्न ख, आनंद के कितने दांतों में कीड़ा लग गया था? आनंद के दो दांतों में कीड़ा लग गया था। ग, दांतों को ठीक रखने के लिए क्या पीना ज़रूरी है? दांतों को ठीक रखने के लिए दूध पीना ज़रूरी है। खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। आनंद के दांतों से कभी कभी क्या निकलता था? आनंद के दांतों से कभी कभी खून निकलता था। जब हम हर रोज़ ब्रश नहीं करते, अपने भोजन की ओर ध्यान नहीं देते, तब हमारे दांत धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आनंद के दांतों से भी खून निकलने लगा था। कुल्ला करने से क्या होता है? कुल्ला करने से भोजन के बाद जो कण दांतों में रह जाते हैं वे निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको अब हम पुस्तिका में करेंगे, साथ ही प्रश्न चार भी आप अपनी पुस्तक में करेंगे। प्रश्न चार क्या है? दांतों को साफ रखने के लिए बाजार में मिलने वाले किन्हीं दो मंजन या टूथपेस्ट के नाम लिखिए। जैसा कि हम सभी को पता है, हम टीवी में भी विज्ञापनों में देखते हैं कि आजकल बाजार में भांति भांति के टूथपेस्ट या मंजन आ रहे हैं। तो लोग किन किन मंजनों का, किन किन टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं अपने दांतों को साफ रखने के लिए, तो आप भी उनमें से किन्हीं दो टूथपेस्ट के या मंजन के नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि कोलगेट, पेप्सोडेंट, बबूल, मिसवाक, तो आप यहाँ पर कोई भी दो नाम लिख सकते हैं। धन्यवाद।